इमरानी सरकार के मुकाबले में शहबाज शरीफ ब्यूरो से भी नस्बता अच्छा काम ले रहे हैं लेकिन किसी हुकूमत की पुश्त पर जब तक मजबूत सियासत और सियासी आवाज ना हो वो लोगों के दिलों में गर नहीं कर सकती सीनियर सहाफी और तजिया सलीम साफ़ी के मुताबिक लोग हैरान और परेशान हैं कि पंजाब में तरक्याती कामों की वजह से कामयाब तरीन करार पाने वाले मियां शहबाज शरीफ मीशत पर काबू पाने में क्यों कामयाब न हो सके और न वो मीशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान को लगाम डाल सके बल्कि सच पूछे तो इमरान खान के सर पर आजकल पॉपुलरिटी का जो बूथ सवार है वो इनका अपना कारनामा कम और मखलूत हुकूमत की नाकामी का नतीजा ज्यादा है मेरी दानस में मखलूत हुकूमत की अबतर कारकरी की वजुहत दर्ज है पहली वजह तो ये है कि ये हुकूमत जिन लोगों पर मुश्तमिल है इनकी आपस में कोई नज़रियाती हम नहीं मुस्लिम लीग नून पख्तनख्वा मिली अवी पार्टी जे यू आई पी एन पी और जे यू पी वगैरह में कोई नजरिया नहीं लेकिन वो दानली की पैदावार इमरान हुकूमत और की सरपरस्ती में इनकी फसदाइत के खिलाफ जमा हुई थी पीपल्स पार्टी पी डी एम को दगा देकर अगरचा अलग हो गई थी जबकि ए एन पी जरदारी की यारी में पी डी एम छोड़ चुकी थी उन्होंने जब ये देखा कि इमरान खान की हुकूमत स्टैब्लिशमेंट की बेसाखियों के हट जाने से गिर रही है तो नई हुकूमत की तश्ील के लिए ये

हर पार्टी और हर फर्द वजीर आजम को ब्लैक मेल करने की साहियत रखता है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ के यहाँ वो कुत फैसला नजर नहीं आती जो बतौर वजीर अली पंजाब इनके यहाँ देखने में मिलती थी एक और मसला ये दरपेश है की हुकूमत के ज्यादा मज़े पीपल्स पार्टी जे यू आई और बाप वगैरह लूट रही है लेकिन हुकूमती इकदाम का दिफा सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ की मुस्लिम नून को करना पड़ता है बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून भी यकसू नजर नहीं आती और एक धड़ा इस हुकूमत का दिफा करते हुए हिचकिचाहट का शिकार नजर आता है इंतहा देख लीजिए कि ए एन पी और जमहूरी वतन पार्टी याफ्ताब शेरपाओं की जमात तो हुतल नहीं लेकिन दूसरी तरफ चौधरी शुजात के ग्रुप के दो अफरा विफाकी वजीर हैं हुकूमत साजी के वक्त जरदारी साहब ने अपने लिए एक एक वजारत पर खूब लड़ाई लड़ी लेकिन ए एन पी जो इनकी दोस्ती में पी डी एम से निकली थी को हुकूमत में जरदारी साहब ने कोई हिस्सा नहीं दिलवाया होना तो ये चाहिए था कि पी डी एम और अपोजिशन के तमाम रहनुमा मिलकर हुकूमत साजी के लिए मुशावरत करते लेकिन ए एन पी और शेरपाओ को न सिर्फ मिशावरत से बाहर रखा गया बल्कि इनकी क़्यादत को वजीराजम की हल बर्दारी की तकरीब में भी मदूर न किया गया ने जो काम ए एन पी के साथ किया वही मौलाना ने आफ्ताब शेरपाओ के साथ किया पीडीएम के सरबरा की है न सिर्फ शेरपाव की साजी के मुशावरत में शरीक करते हुए अपना ज्यादा ऐसी ज्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में सिरे से ही भूल गए बाद में जब पता चला तो शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें बुलाकर वजारत की पेशकश की लेकिन एक खुददार इंसान होने के नाते उन्होंने वजारत लेने से मा कर ली दूसरी तरफ जब वजीर आजम ए एन पी के साथ होने वाली ज्यादती की तरफ मतवज हुए तो अजाले के लिए उन्होंने इसकी क्यादत को बुलाकर पख्तनख्वा गवर्नरशिप की पेशकश की लेकिन मौलाना इसमें भी रुकावट बन गए हालांकि गवर्नरशिप हर हवाले से ए एन पी का हक है जबकि वजीर अजम की तरफ से अस खुद पेशकश और तमाम इतिहादी जमातों के इतफाक के बाद तो हर सूरत वजे अजम को अपना फैसला मनवा लेना चाहिए था लेकिन मौलाना की नाराजी से बचने की खातिर वो आज तक सूबे में गवर्नर तैनात न कर सके और वहाँ पी टी आई के स्पीकर एक्टिंग गवर्नर के तौर पर मसरूफ है यही हाल बलूचिस्तान का है वहाँ भी अभी तक वफाकी हुकूमत अपना गवर्नर तैनात न कर सकी सिंध की गवर्नरशिप का पीपल्स पार्टी ने एमकेएम के साथ वादा किया था लेकिन अब वो गवर्नरशिप एमकेएम को देने में लेतुलाल तो से काम ले रही है चुनाचा लोग बजा तौर पर ये सोचते हैं कि जो हुकूमत चार माह में अपने गवर्नर न लगा सकी वो कोई और सख्त फैसले क्या कर सकेगी मौजूदा हुकूमत की नाकामी की एक और बड़ी वजह सूबाई हुकूमतें हैं पख्तनख्वा और पंजाब में मुखालिफ हुकूमतें हैं जबकि सिंध और बलोचिस्तान में इतिहादियों की लेकिन इनकी कारदगी नाकिस नहीं बल्कि शर्मनाक है अठारहवीं तरमीम के बाद ज्यादातर इख्तियार वसाइल सूबों के पास चले गए हैं लेकिन लोगों और मीडिया की नज़र सिर्फ विफाकी हुकूमत पर होती है जबकि दूसरी तरफ इमरान खान भरपूर सियासत कर रहे हैं अब तो सबको सैलाब बहाना मिल गया है नाकामी की एक बड़ी वजह हुकूमती सफों में यकसुई का फुकदान है ये बात अब कोई राज नहीं रही हुकूमती हु का टोकरा जिसमें आईएमएफ से वादा खिलाफी तबाह मत और बहुत सारे दीगर गंद पड़े हुए थे अपने सर लेने का फैसला मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का था अगर नवाज शरीफ की मर्जी न होती तो शहबाज शरीफ कभी हुकूमत नहीं बना सकते थे लेकिन हुकूमत संभालने के बाद जब सूरत की अब का पता चला तो मुस्लिम लीग नून डामाडोल हो गई एक सोच ये बनी कि आईएमएफ की सख्त राइ मानने से बेहतर है हुकूमत छोड़ दी जाए इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने वजी अजम और इनकी काबीना को लंदन तलब किया बिला नवाज शरीफ की सरकर्दगी में होने वाले इजलास में हुकूमत को बरकरार रखने का फैसला हुआ हुकूमती नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें शरीक लोग अपना कोई मुश्तर और मुतफिका बयान या तश्ल देने में नाकाम रहे जबकि मीडिया मैनेजमेंट और प्रोपागेंडे के मामले में आज भी पी टी आई इससे बहुत आगे है पीटीआई अपना झूठ सच बनाकर बेच सकती है लेकिन हुकूमत अपना सच भी मार्केट नहीं कर सकती सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को महंगाई ने पहुंचाया, लेकिन ये हुकूमत अवाम को इसके अवामिल और इमरान हुकूमत के ब्लंडर समझाने में नाकाम रही हुकूमत बिलाशुबा बेहतरीन इंतजाम से चलती है और यकीन इमरान काबीना के वजरा की नस्बत मौजूदा काबीना के, के बाद वजरा ज्यादा माहिर और मेहनती भी है इमरानी सरकार के मुकाबले में शहबाज शरीफ ब्यूरोसी से भी नस्बतान अच्छा काम ले रहे हैं लेकिन किसी हुकूमत की पुश्त पर जब तक मजबूत सियासत और सियासी आवाज न हो वो लोगों के दिलों में गर नहीं कर सकती